25 किलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है बसंती ट्रैवल ब्लॉग। और आज ये बसंती ट्रैवल ब्लॉग पहुंच चुका है उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य के सबसे बड़े जिले में, जो कि है अंगुल। और ठीक मेरे पीछे देख रहा हूँ यहाँ पर संता भोजनालय, जो कि कई पीढ़ियों से ये दुकान चलता आ रहा है, ये होटल चलता आ रहा है, और मटन चावल के लिए बहुत अल्टीमेट फेमस है ये। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस भोजनालय को और देखते हैं क्या कुछ है खाने के लिए और बातें करते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अंगुल में और भैया का ही ये होटल है, तो इनसे चलिए बातें करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कैसे कुछ क्या बनता है, क्या टाइमिंग है और कितने सालों से ये दुकान चलता आ रहा है। तो भैया बताएंगे सबसे पहले ये कि टाइमिंग क्या है आपके होटल का। मेरा 12 से शुरू होता है, 12 दोपहर से 3 बजे 3:30 बजे तक चलता है। ठीक है, रात में कितने बजे तक? रात 7 से 11 तक। 7 से 11 तक। सबसे फेमस आपके यहाँ क्या है? मेरा मटन है, बिरयानी है। अच्छा, ये फेमस वाला है, बिरयानी है और मटन चावल है। ये कितने टाइम से दुकान चल रहा भैया? मतलब कितने सालों से ये दुकान है? ये 2011 से, मेरा पिताजी 1972 से शुरू किया है। अच्छा, पहला दुकान। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा दुकान, उसके बाद दूसरा दुकान आप यहाँ किए। तो ये इसका टाइमिंग कितना हो गया? ये 2011 से शुरू होता है। अच्छा, ये 2011 से चल रहा है। तो ये भी दुकान 2011 से, इनके फादर भी इसी काम में थे, जो कि एक और होटल है, अभी कम है। ऐसा सावन नहीं रहा तो? सावन नहीं रहा तो 25 किलो के ऊपर, 25 किलो से ऊपर डेली हर दिन का? नहीं नहीं, बुधवार शुक्रवार रविवार। अच्छा, 3 दिन सप्ताह में 3 दिन, बाकी दिन में मटन नहीं चलता है? चलता है, मगर सेल कम रहता है। अच्छा, ये क्या है भैया, ये बताइए? दही कड़ी, दही भाई का। दही कड़ी इसमें क्या डालते हैं? दो सरसों, फुटन, जीरा। अच्छा ठीक है। और ये मशरूम मसाला? मशरूम मसाला जी। ठीक है, और ये क्या है? पनीर चिल्ली। अच्छा, पनीर चिल्ली का ये बनाने के लिए आइटम है ये। हाँ। और ये सब भजिया, सूखा सब्जी आ जाएगा। ये क्या है? आलू परवल सब्जी। आलू परवल का सब्जी है। बैगन का चोखा है। ये चोखा है, आलू बैगन का है। चिकन कस्सा। ये चिकन कस्सा है। ये मच्छी करी। अच्छा, यहाँ मछली करी है। मच्छी करी फ्राई वाला भी है, फ्राई वाला भी उधर से है। फ्राइड आइटम है, जिसको फ्राइड चाहिए होगा वो फ्राइड खाएगा। फिर ये दाल हो गया, इधर ये चावल हो गया, पूरा वैरायटी। तो चलिए चलते हैं अंदर, कहीं बैठते हैं और लोगों से बातें करते हैं, जो लोग खा रहे हैं उनसे पूछते हैं कि कैसा है खाना यहाँ का और कैसा टेस्ट उनको लगता है, तो जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बातें करते हैं। तो चलिए भैया से बात करते हैं, पूछते हैं कि ये कितने टाइम से यहाँ आ रहे हैं और क्या कुछ खाते हैं और क्या ऐसा इनका रिव्यू है यहाँ को लेकर। सुबह से, आज सुबह से नहीं आया, खाना के टाइम में आता हूँ यहाँ, दोपहर का खाना यहाँ खाता हूँ, तालचेर में हम रहते हैं। कितने टाइम से खा रहे हैं यहाँ? 6 महीने से यहाँ खा रहा हूँ दोपहर का खाना। अच्छा, यहाँ खाता हूँ हम लोग, या वो हमारा तेलंगाना है। अच्छा, खाना मिल जाएगा यहाँ? अच्छा खाना है, अच्छा खाना मिल जाएगा, सभी मिल जाएगा, चिकन मटन मछली सब कुछ, सब कुछ मिल जाएगा। चीप एंड बेस्ट में मिल जाएगा यहाँ, चीप एंड बेस्ट में मिल जाएगा। टेस्ट कैसा है? टेस्ट ठीक है, अच्छा है। अच्छा टेस्ट। हाँ, तो फाइनली काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आ चुका है हमारा खाना, और ये है दही बैगन, उसके बाद ये हमारा मटन जिसके लिए हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं, और वैस ने चिकन मंगाया है, और ये यहाँ का स्पेशल ट्रेंड है चोखा का, जो कि उड़ीसा में ही है। मटन जब भी आप खाएंगे तो आपको चोखा साथ में मिलेगा। तो ये सारा कुछ खाने के लिए आ चुका है। तो ये है मटन के पीसेस, चेक कर सकते हो आप, 4 पीसेस एक प्लेट में मिल रहा है, जो कि 140 रुपये का प्लेट है। और ये सारा कुछ, ये चोखा है साथ में, जो कि उड़ीसा का आपको बताया मैंने कि ये ट्रेंड है, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले ग्रेवी डालते हैं और ग्रेवी टेस्ट करते हैं कैसा है चावल के साथ। काफ़ी लाजवाब टेस्ट है, बहुत ही बेहतर। अल्टीमेट टेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार स्वाद था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे घर का खाना खा रहे हो और घर का बना हुआ है। और जब सबसे मज़े की बात तो ये है कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये पूरा होटल खाली था, और अभी आप भीड़ चेक कर सकते हो कि पूरा हमारे पीछे भीड़ लग चुका है,
तो यहाँ का टेस्ट ही बता रहा है कि यहाँ का भीड़ लगने का रीज़न क्या है। और चलिए चोखा को टेस्ट करते हैं, जो कि आलू के चोखा है, जो कि उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये भी अल्टीमेट कमाल का टेस्ट है। भैया हमारा भीड़ कितना हुआ? बढ़िया कहते हैं ये। अब खाना सही में वाकई में बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा टेस्ट है। ऐसा नहीं लगा कि हम बाहर खा रहे हैं, लग रहा है घर का खाना है। मटन भी पूरा एकदम घर वाला जैसे बनता है वैसे घर की तरह एकदम लगा, बहुत अच्छा खाना था। बिल बताएंगे भैया। तीन सौ पचास मटन का क्या रेट है भैया? 140 रुपये। 140 रुपया बहुत सफिशिएंट है, चार पीस आता है। हाँ अच्छा था, बहुत ही जेन्युइन चीप एंड बेस्ट खाने का जगह है ये। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा और ये चैनल अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे जगहों पे एक्सप्लोर कीजिए। तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने देखा कि 350 रुपये ही बिल हुआ हम दोनों का, जबकि इतना सारा का सारा कुछ खाने के लिए आइटम आया, फिर भी 350 का ही बिल आया। बहुत ही चीप एंड बेस्ट था, बहुत ही सस्ता था, क्योंकि जनरली हम लोग दो लोग बाहर में 350 में मटन के साथ और चिकन के साथ तो नहीं खा सकते हैं। तो बहुत जेन्युइन रेट था और बहुत ही लाजवाब टेस्ट था। तो चलिए मिलते हैं किसी नए सफ़र पे, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।